हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू नेचर इज लाइफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है ये ब्यूटीफुल सी लीफ वाला प्लांट। तो आप देख रहे हैं ना, इसकी लीव्स बिल्कुल लोटस की लीव्स की तरह ही लग रही है। ऐसा लग रहा है कि लोटस की छोटी सी लीव्स हो, सेम लोटस की लीव्स की तरह ही ये होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रीन और चमकदार होती है। तो इनकी इस ब्यूटीफुल लीव्स के कारण ही इस प्लांट को लगाना पसंद किया जाता है। तो जो भी लोग वाटर प्लांट के शौकीन होते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट के शौकीन होते हैं, उनके यहाँ तो आपको ये प्लांट देखने मिल जाएगा, ये उनकी विश लिस्ट में होता ही है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये एक वाटर प्लांट है जिसे वाटर कोटियाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बार इस प्लांट को आप अपने घर पे ऐड कर लेते हैं तो ये इतना ज़्यादा फैल जाता है, कि बिल्कुल जंगल की तरह बन जाता है। तो इसे आप ग्राउंड कवर करने के लिए ग्रो कर सकते हैं, किसी प्लांटर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप कई तरीके से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक वाटर प्लांट है, बट इसे जो है सॉइल में, वाटर में, दोनों में ही ग्रो किया जाता है और ये दोनों में ही आराम से चल जाता है। जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मेरा ये प्लांट जो है ये सॉइल पे लगा हुआ है और आप देख रहे हैं ये सॉइल में भी कितने अच्छे से चल रहे हैं। और ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, मैं आपको बताऊँ, मैं जब विंटर में नर्सरी गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा, शायद इसकी कोई कटिंग वगैरह गिर गई होगी, तो ये इतना ज़्यादा फैला हुआ था, बिल्कुल जंगल की तरह वहाँ फैल गया था। तो मैंने जो प्लांट ख़रीदा था पैंटास का, उसके साइड पे भी ये थोड़ा सा लगा हुआ था। तो मैं इसकी छोटी सी कटिंग लेके आ गई थी और कटिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से कहना चाहिए कि वो इतनी बड़ी कटिंग रही होगी, यानी उस पर दो नोड एरिया थे, बस इतनी सी बड़ी कटिंग मैं लेकर आई थी। और अब देखिए, उतने से ही प्लांट से ये कितना ज़्यादा फैल गया है, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। मैंने एक ही प्लांट से इसके कई सारे प्लांट बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आराम से लग जाने वाला प्लांट है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। तो अभी तो इनमें ना फ्लावर आना शुरू हो गए हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, बाकी बारिश में तो ये इतना ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, इस तरीके से इनके छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं, बहुत ही छोटे से इनके फ्लावर होते हैं, नहीं के बराबर। तो ये लीव्स के कारण ही ग्रो किया जाता है, क्योंकि फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक वाटर प्लांट है, मैंने इसे पानी में भी लगाया है और सॉइल में भी लगाया है, तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये सॉइल में लगा है, तो आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, इसकी लीव का साइज़ भी कितना बड़ा है। और देखिए, ये प्लांट जो है ये पानी में लगा हुआ है, तो आप इसकी लीव का साइज़ देखिए, ये भी छोटा है। और मैंने सेम साइज़ की कटिंग ली थी, जितनी बड़ी कटिंग मैंने सॉइल में लगाई थी उतनी ही बड़ी कटिंग मैंने ये पानी में लगाई है। बट देखिए, जो ये सॉइल में लगी है ये कितना ज़्यादा फैल गया है ना, इसने लगभग पूरे पॉट को ही कवर कर लिया है। और ये देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी कम हुई है। तो मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो सॉइल में ज़्यादा अच्छा मिला है, इसलिए अब मैं जो ये वाटर में लगा हुआ है ना, इसे भी निकाल के सॉइल में लगा दूंगी। मैं देखना चाह रही थी कि किस में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, मुझे इसमें पानी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो मैंने एक ग्रोथ को वहाँ ट्राई किया। और देखिए, इस पर इस तरीके से रनर्स चलते हैं, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये रूट निकली है इसकी और यहीं से ये एक लीफ निकली हुई, ऐसी थोड़े आगे जाके फिर रूट निकल गई, थोड़े आगे जाके फिर रूट निकल गई, है ना। और फिर यहाँ से देखिए, बिल्कुल छोटी सी लीव्स निकल रही है, यहाँ से न्यू ग्रोथ होगी और यहाँ पे भी रूट है और यहाँ से ये छोटी सी लीव्स निकल रही है। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके इनमें पहले रूट बनती है और जहाँ से रूट बनती है वहीं से इनमें लीव्स निकलती है। तो इस तरीके से ये इतने ज़्यादा फैलते जाते हैं, यानी ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस तरीके से फैलते जाते हैं। तो बस आप इसकी ऐसी कटिंग लेकर आ जाइए जिसमें एक जगह भी रूट हो, मतलब एक नोड एरिया भी हो, तो ये उतने से ही लग जाएगा। ये इतने आराम से चलने वाला प्लांट है, बहुत ही आराम से चल जाने वाला प्लांट है। इसे आप छोटे से छोटे पॉट से लेकर बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं, ये सभी में आराम से चल जाता है। जो कॉफ़ी वगैरह के कप्स आते हैं या फिर छोटा सा सेरेमिक पॉट है उस पर आप लगा के इसे इंडोर रखेंगे ना, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी मैंने छोटी सी कटिंग लेकर इस छोटे से पॉट में कुछ दिन पहले ही लगाई थी, तो देखिए ये कटिंग भी कितने आराम से लग गई है
और ये साइड से इनमें ये न्यू न्यू लीव्स भी आना शुरू हो गई है और इस पे ये फ्लावर भी आ रहे हैं। तो बस आपकी आप इसकी इतनी बड़ी कटिंग ले लीजिए, बिल्कुल छोटी सी कटिंग भी लेके और लगा देना। जैसे आप कॉफ़ी कप में लगा रहे हैं तो 8 दिन में ही ये पूरे कप को कवर कर लेगा, इतनी फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा जल्दी लगने वाला ये प्लांट है, देखते ही देखते जो है ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। तो फ्रेंड्स, कहीं से आपको इसकी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो आप लेकर आ जाइए, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी महंगा मिलता है। आप लोग जानते हैं कि जितने भी वाटर प्लांट होते हैं वो महंगे ही मिलते हैं। तो आप इसकी कहीं से आपको छोटी सी कटिंग मिल जाए ना, आप लेकर आ जाइए। और फिर ये इतना ज़िद्दी प्लांट है कि आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। और फ्रेंड्स, अब इसकी सॉइल मिक्सचर की बात करूं तो मैंने इसके लिए कोई नई सॉइल तैयार नहीं की है, जो मेरे पुराने पॉट की सॉइल निकलती है। तो मैं तो अपने सारे प्लांट के लिए सेम सॉइल तैयार करती हूँ, वेलड्रेन सॉइल, वही सॉइल है। उसी सॉइल को लेकर इसमें मैंने थोड़ी सी 2-3 मुट्ठी जो है गोबर की खाद डाल दी थी। और देखिए, ये पूरे पॉट को अब कितने अच्छे से कवर कर लिया, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसे बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी सनलाइट का ध्यान रखिए। अभी आपको इतनी गर्मी में भी मेरा प्लांट बहुत ग्रीन दिख रहा होगा, जबकि इसे मैंने टेरेस पे रखा हुआ है। ये जो प्लांट है ये सेमी सीड में चलने वाला प्लांट है, बट मैं नीचे अपने प्लांट्स नहीं लगाती हूँ, क्योंकि रोड के साइड पे घर है तो इतना ज़्यादा डस्ट आता है और डेली प्लांट को क्लीन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं सारी गार्डनिंग जो है टेरेस पे ही करती हूँ। पर मेरा प्लांट इतना हेल्दी है, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि इस पॉट को मैंने ऐसी जगह पर रखा है, मतलब मैंने ये प्लांट रख दिया और इसके चारों तरफ जो है ना बहुत सारे प्लांट्स रख दिए हैं, यानी प्लांट के झुंड के बीच में इसे रखा हुआ है। तो उन प्लांट्स की सीड जो है इसके ऊपर आती है, इसलिए ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से चल रहा है। मतलब मुझे इसकी एक्स्ट्रा कोई केयर नहीं करनी पड़ रही है और ये एकदम आराम से चल रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मतलब इसकी सनलाइट का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। आप इसे तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स है ना वो येलो होना शुरू हो जाती है। बट ये प्लांट इतना हार्डी है कि ये आसानी से मरता नहीं है। भले लीव्स ऊपर से बर्न हो जाएं, आपको लगेगा कि आपका प्लांट सूखने लगा है, बट ये आसानी से मरता नहीं है। नीचे इनकी रूट काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। बट हम ऐसे प्लांट को ख़राब होने ही क्यों दें, पहले इसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और वाटरिंग की बात करें तो आप यदि वाटर में लगा रहे हैं तो आप हर 7 दिन में इसका पानी चेंज करें, यानी वीकली आप रूटीन बना लें कि हर वीक आपको उसका पानी चेंज करना है। क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो फिर वहाँ पे मच्छर के लार्वा बनना शुरू हो जाते हैं और फिर बहुत सारे मच्छर भी पनप जाते हैं उसमें, और धीरे धीरे हमारे प्लांट में भी फंगस लगने लगता है। तो आप वीकली उसका पानी चेंज कर दें। और यदि आप सॉइल पर लगा रहे हैं तो इसकी सॉइल को आप हल्की सी मॉइस्ट रखें। आप मेरे प्लांट की सॉइल देख रहे होंगे तो ये मॉइस्ट ही है, मैं हर समय इसे हल्की सी गीली रखती हूँ। और मैं जब भी वाटरिंग करती हूँ, यानी मैं इसमें दोनों टाइम वाटरिंग करती हूँ, तो मैं इसकी लीव्स को अच्छे से नहला देती हूँ। इससे इस पे जो भी डस्ट होता है वो क्लीन हो जाता है और लीव्स को मॉइस्चर भी मिल जाता है, इससे ये लीव्स ऐसी ग्रीन और चमकदार बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, देखते ही देखते बहुत सुंदर सा जंगल बन जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।